देखो इदा है कि कागज़ सारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स उन्होंने कंसल्ट किया जा रहा है एंड एजी ऑफिस कंसल्टेशन चल रही है। सो मेरा ख्याल है 2-3 दिन कुछ ना कुछ फाइल हो जाएगा। देखो रिकॉल दा सी सेम जज साहब को जानते हैं, उन्होंने कहने से जरा फैसला किया वो ठीक नहीं है, थोड़ा लीगली फैसला नहीं होया ठीक तरीके ना, कुछ गल्ला रह गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जिमें हैबियस कॉर्पस पिटीशन की सुनवाई हुई ही नहीं, क्योंकि 3 बजे ब्लैंकेट बेल की सुनवाई शुरू हो गई थी और सुनवाई मुकी 6:40 पर, एंड जब तक सवाल है हैबियस कॉर्पस का, वो फाइल ही जज साहब को 5:15-5:30 बजे आई सी, क्योंकि पहला वो किसी होर जज साहब से लगी सी, फिर दोपहर तो बाद जस्टिस बैल दे लगी, इदा करते करते वो बड़ी लेट आई इन्हों को, वो सुनवाई तो कभी हुई नहीं जबकि फैसला वो आ गया लिखा हुआ। सो वन ऑफ द ग्राउंड इज कि तुम सू सुनिया तो है ही नहीं, और बिना सुने तुम फैसला किमें करोगे। और दूसरी जी मेन मुद्दा है वो ये है कि जो राती अरैसट पै गई सुमेध सैनी की, सवेरे उन्होंने पेश करता गया सी जी एम मोहाली दे, एंड नॉर्मल जो लॉ है वह है कि जो अभी कोर्ट पेश कर देते हैं मुलजम को, तो उस कोर्ट की जिम्मेवारी हो जाती है कि उन्होंने पुलिस रिमांड देना या जेल च भेजना या यह देखना कि जी यही फड़े ही गलत सगा। उत्थे कार्रवाई जान के सुमेध सैनी के वकीलों ने रोकती, यह कह के झूठ बोलते हुए कि हाई कोर्ट ने स्टे करता तो कोई फैसला नहीं कर सकते। ये सब भी असी जज साहब न दिखाया और जज साहब ने कहा देखते हैं बाद चो, पर कोई फैसला नहीं आया। इस बारे कोई जिक्र नहीं है कि सुमेध सिंह सैनी ऑलरेडी कोर्ट के सामने लोकल अदालत में पेश करता गया सगा। जो भी कोई मुलजम कोर्ट च पेश हो जाता है लोअर कोर्ट में जिते पेश करना होंगे कानून के तहत, तो हैबियस कॉर्पस वैसे ही मेनटेनेबल नहीं रह जाती, तो जी हैबियस कॉर्पस मेनटेनेबल ही नहीं फिर उद्देश्य अगर फैसला किमें करोगे। ये सारी गल्लों मद्देनज़र रखते हुए असी ये अपील करा कोर्ट में कि जी जो फैसला होया लीगली भी गलत है और फैक्चुअली भी गलत है। देखो ये भी फैक्चुअली भी मैं जी थोड़ा गल कह लग्या यही कह लग्या कि फैक्चुअली भी ऑर्डर गलत है, क्योंकि जी ब्लैंकेट बिल मिली हुई थी सुमेध सिंह सैनी ने, वो सी उन्होंने जो सर्विस टेन्योर है वो दौरान जो कुछ होया कोई कार्रवाई हुई है वो बारे कोई एफआईआर करनी अरैसट करनी तो नोटिस दो। जड़ा उसते हुन जिहड़े केस विच नामजद किया गया उन्होंने इनवॉल्व किया गया उहदे विच जिहड़ी भी कार्रवाई हुई है जिहड़े डॉक्यूमेंट फोर्ज किए गए हैं वो सारे हैगे हैं 2021 दे। सो जून 18 विच रिटायर हो गए। उस तो बाद जे कोई बंदा जुर्म करेगा कोई वाइट कॉलर क्राइम करेगा करोड़ों रुपए का आदान प्रदान करेगा बिना किसी कागज़ के, तो फिर असी कई उसते असी एक्शन नहीं लै सकते। ये भी कोर्ट ने गलत ऑर्डर करता, और यही तुहानूं मैं पहला कहा कि जज साहब सिर्फ ब्लैंकेट बेल की सुनवाई कर सकता किसी, और कानूनन जिहड़ी हो सकता सीगा वो यही सीगा कि जे अपने पहले ऑर्डर नूं एक्सटेंड करना चाहते एक्सटेंड कर लेंदे कि कभी भी कोई जुर्म करे तो फड़ो जी पहला नोटिस दो, वो तो जज साहब ने किया नहीं। सो इस चीज़ का कोई ना कोई स्टे नहीं सी, ये भी गल बेबुनियाद है बिल्कुल बिल्कुल। फैक्ट्स अलग है, ऑफेंस बिल्कुल अलग है, क्योंकि जज साहब को पूरी फाइलें है ही नहीं सगिया सामने, तो इस चीज़ का फैसला भी किमें हो सकता सीगा, क्योंकि जो वो लिखा ऑर्डर में वो FIR नंबर 11 बारे लिखा कि निमरत दे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस है, जबकि वो केस ही नहीं है। उस केस में 11 नंबर में तो सिर्फ इन्ना ही इल्जाम है सुमेध सिंह सैनी से कि जो कोठी अटैचमेंट की दरखास्त पाई विजिलेंस ने कोर्ट में 11 नंबर FIR में सुरेंद्र जसपाल की कोठी जी नाम से है, वो उस कोठी का अटैचमेंट रोकने वास्ते एक डॉक्यूमेंट फोर्ज कर लिया गया बैक डेट में 2019 की डेट में, वो जी फोर्जरी है की गई उन्होंने रोकने लिए अटैचमेंट नूं बारे FIR है वो नामजद होया सैनी, ना कि DA दे केस में जड़ा कि निमरत दीपते है जो सुरेंद्र जसपाल का बेटा है। बंदे सारे हुई हैं आस पास कमरे पर ऑफेंस अलग अलग है, थोड़े अलग अलग ऑफेंस होंगे उन्होंने FIR अलग अलग ही होगी हमेशा। तो ये सारा सरकार का फैसला जी हले पर जल्दी हो जाएगा, बिकॉज सरकार बड़ी सीरीयस है इस मामले और बड़ी जल्दी ही दरखास्त पाते हैं। ये देखो इदा कि जी हैबियस कॉर्पस पिटीशन से पहले तुम्हें पहले ही दस्या कि सवेरे किसी होर जज साहब को लगी सी, जो तो उन्होंने दस्या गया कि मुलजम की इफेक्ट कर ली असी अरैसट ऑलरेडी, तो वो डिसमिस कर रहे थे, तो सैनी के वकील साहब ने शोर किया बहस की लंबी, वो जज साहब ने ट्रांसफर कर दी। जो तो दूसरे जज साहब को आफ्टर लंच गई तो उन्होंने ये कहता गया कि जी जस्टिस त्यागी मैटर सुन रहे हैं ऑलरेडी तो उन्होंने को भेजती जाए, उन्होंने भी भेजती बिकॉज वो निरपक्ष सके बिल्कुल, उन्होंने कोई इंट्रस्ट नहीं, उन्होंने कहा जितने मर्जी सुनवाई करो मैंने की फर्क पैंता जज सारे एक वर्गे हैं। पर यह सुमेध सिंह सैनी का जी खेड खेडी जा रही थी वो ऐसी कि सारा कुछ जस्टिस त्यागी ही सुन कित होर ना मैटर जाए, और जब तक ब्लैंकेट बेल का मसला है ब्लैंकेट बेल में उन्होंने एक्सटेंशन मंगी सी और जज साहब ने 3 बजे मैटर रख्या, फिर जो 3 बजे रख्या तो सुनवाई भी 3 बजे उदी चल रही थी। हैबियस कॉर्पस मैं तुम्हें दस चुके हैं वो पहला भी बड़ी लेट आई उन्होंने को 5:15 के नेड़े आई है, तो मैटर 6:40 तक चलिया और सिर्फ ब्लैंकेट बेल चलिया, और फिर जो ब्लैंकेट बेल से चलना से फिर ऑर्डर हैबियस कॉर्पस दिखाने की गल सी।